क्लास हाँ क्लास अपनी पिछली जो वीडियो थी उसमें अपना चैप्टर 11 फिनिश मतलब पूरा हो गया था, खत्म हो गया था और अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12 गोनू झा की बुद्धि वाणी। इसमें किस प्रकार है दो भाई होते हैं हाँ, तो गोनू झा है उसका भाई है वो उससे बेईमानी करता रहता है तो गोनू झा किस तरह अपनी बुद्धि वाणी से अपने आप को बचाता है उसकी बेईमानी से, उसके बारे में हम दो भाइयों की कथा है हम रीड करते हैं। गोनू झा और गोनू झा दो भाई थे, कॉमन दो भाई थे, उसका नाम एक का नाम गोनू झा था और एक का नाम था गोनू झा, लेकिन उनमें हमेशा खटपट रहती थी, हमेशा होती ही रहती था एक कभी, लेकिन वो बड़े होने के बाद भी खटपट रहती थी। छोटों में तो होती है लेकिन कई लोग होते हैं जो बड़े भी खटपट करते रहते हैं। जब उन्हें बंटवारा होया था पंचों ने बेईमानी कर दी, क्या करा जब उन्हें बंटवारा हुआ था तो पंचों ने जो भी धन थी संपत्ति थी या कुछ भी सामान था उसको बांटने में बेईमानी कर दी। गोनू झा बुद्धिमान थे इसलिए सब उनसे चलते थे, क्योंकि आजकल ये देखा गया है अधिकतर लोग बुद्धिमान लोग वगैरह उनसे झगड़ा करते थे, गोनू झा गोनू झा बुद्धिमान थे इसलिए सब चलते थे, तो उनसे गोनू झा से पंचों ने भी बेईमानी की। सारी चीजों का तो बंटवारा हो गया, बस एक भैंस और एक कंबल रह गया। क्या हुआ था कि सारी चीजों का बंटवारा हो गया था, एक भैंस और कंबल बची थी उसका बंटवारा नहीं रहा था। आप लोग इन दोनों को भी बांट दीजिए तो कृपया कृपा होगी। तो जी हाँ पंचों जो उचित लगे करें। तो क्या गोनू झा ने कहा कि अब सारी चीजों का बंटवारा हो चुका है, एक भैंस और कंबल है तो उसको भी आप कृपा करके बांट दो तो आपकी कृपा होगी, इस तरह से उन्होंने कहा। तो गोनू झा ने कहा तो जी हाँ तो पंचों जो तो गोनू झा ने कहा जी हाँ पंचों जो आप पंच करेंगे वो उचित होगा लगूंगा ना तो उचित लगे करें। क्यों भाई गोनू झा मंजूर है? अब पंचों ने कहा गोनू झा आपको मंजूर है, गोनू झा ठीक है इस तरह से बात गोनू झा से कर रहे हैं और गोनू झा से कह रहे हैं पंच कि आपको मंजूर है। तो गोनू झा बोल रहे हैं ठीक है, गोनू भैंस के अगले हिस्से का मालिक है। क्या करा पंचों ने क्या कहा कि गोनू है वो भैंस के अगले हिस्से का मालिक है और गोनू पिछले हिस्से का है। इसी तरह गोनू कंबल का उपयोग दिन में करेगा और गोनू झा रात में करेगा। अब देखो भाई पंच क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, अब इस तो फैसले लेने से गोनू को बहुत क्या हुआ। अब गोनू झा ने जो पंचों ने फैसला किया वो स्वीकार तो कर लिया लेकिन दुख तो होगा ही, क्योंकि दोनों ही चीजें उसके साथ दोनों चीजों में उसके साथ में चिटिंग की। वह दिन भर भैंस के अगले हिस्से यानी अगला हिस्सा मीन्स मुंह, तो अगले हिस्से को मुंह में वो चराता और गोनू मजे से पिछले हिस्से अर्थात धनों से उसके थनों से दूध निकालता और गोबर भी उसी को मिलता। क्या मिलता? पिछला हिस्सा क्या हो गया भैंसा थन और गोबर, तो वो दोनों चीजें किसको मिलती? गोनू झा को मिलती, तो वो आराम से दूध निकालता और गोबर भी मिलता। और गोनू झा क्या करते हैं अगले मुंह तो कारखाने का काम करता है तो गोनू झा हमेशा उस भैंस को चराते रहते थे। कंबल अब क्या हुआ, इसी तरह गोनू दिन भर कंबल ओढ़ तो नहीं पाते क्योंकि उनको तो भैंस को चराना होता है, दिन में काम भी होता है तो दिन में तो कंबल ओढ़ नहीं सकते और रात में होती है वो, जबकि गोनू रात को उसको कंबल होती थी उसके पास होती गोनू के पास भी तो ओढ़ के आराम से मस्त नींद लेता था है। तो अब गोनू जब गुजारता रात को जाड़ा मजे से गुजारता ठंड में आराम से अपने कंबल में सो जाते। गोनू ने बुद्धि से काम लिया और एक योजना बनी। अब क्या हुआ चलता रहा अपनी थोड़ी दुखा से गोनू झा ने बुद्धिमानी की और अपनी योजना बनाई। उन्होंने गोनू को मजा चखाना ही होगा, क्या सोचा उसने कि गोनू को आज मजा चखाना ही होगा। एक दिन अरे अब क्या हुआ एक दिन वो जब गोनू झा एक दिन भैंस का दूध दूर रहे थे तो गोनू झा आए और लकड़ी उठाई और भैंस के अगले हिस्से पे मारने लगे। हाँ अरे अरे तो क्या करने लगे, अरे अरे क्या कर रहे हो, मैं दूर दूर रहा हूँ और तुम भैंस के मुंह पे लाठी बरसाए जा रहे हो। तो अगला अब तो क्या हुआ गोनू झा ने क्या कहा, अगला हिस्सा मेरा है इसलिए मैं तुमसे क्या मतलब है, मैं गाऊ चाहे कुछ भी करूँ ठीक है। अब लास्ट में लाठी लगते ही भैंस क्या करी दब गई, मतलब की चिड़ गई भैंस, भैंस से दब होगा तो कुछ नहीं और उनसे दूध दूर है उनकी हड्डियां।
ऐसे भी लातों से गोलू की हड्डियां बजा दी। जल्दी से अब क्या करा, अरे बाप रे, अब जब भैंस ने लात मारी और उसकी हड्डियां भैंस ने बजा दी तो अरे बाप रे बाप, मर गया मर गया। अब क्या करा, अब शाम हो गई, शाम को गोलू गोलू सोते हैं, चलो जल्दी से कंबल उठ लेते हैं। तो क्या हुआ, कंबल कैसे, अरे ये कंबल गीला कैसे है, गोलू जाने क्या था, रात को शाम को गोलू उसको दिन में कंबल को भिगो दिया, भिगो गया। अब ये कंबल गीला कैसे हो गया, पंचायत फिर वापस दूसरे दिन फिर से पंचायत बुलाते हैं दोनों, क्योंकि भैंस को क्यों मारा गोलू और कंबल भी भिगो दिया। अब अंजलि क्या था, भाई गोलू चाची आपने ये क्या किया, भैंस को मारा और कंबल भी भिगो दिया। तो गोलू जब बोलते जी मैंने जो कुछ भी किया आपने किससे का किया, कंबल भी मैंने सूर्यास्त से पहले भी बोया और वैसे भी मैं काफी गंदा हो गया था। पंचों में कानाफूसी, तो फिर पंचों में कानाफूसी होने लगी, हमने पुराने फैसलों को बदलकर नया निर्णय किया है, भैंस और कंबल दोनों एक एक दिन पारी पारी से ओढ़ेंगे। क्या करा फिर पंचों ने, फैसला बदला और क्या कहा कि हमने फैसला बदल दिया है और भैंस और कंबल दोनों ही आप बारी बारी से एक एक दिन, एक दिन गोलूजा कंबल का प्रयोग करेंगे और एक दिन गोलूजा गोलू कंबल का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से भैंस भी एक दिन गोलूजा काम मिलेगी, भैंस का कुछ भी चराना भी, और गोलूजा भी एक दिन भैंस को चराएंगे भी और दूध और दही देंगे। इस तरह से ये कहानी आपकी यही खत्म होती है। अब इस पाठ के शब्दार्थ करते हैं, क्या करते हैं शब्दार्थ, ठीक है। अब शब्दार्थ में है खटपट, खटपट क्या होती है, खटपट में खटपट में झगड़ा झगड़ा। सेकंड नंबर है आपका बंटवारा, बंटवारा बंटवारा में अलग अलग करना, अलग अलग करना। विकेत का मतलब है गोवा में खाना, फिर मजा चखाना, मजा चखाना, मजा चखाना मीन्स दंड देना, दंड देना। अगले क्लास फिर आपका है लाठी बरसाना, मीन्स लाठी से मारना, ये तो आपको हो ही जाएगा। फिर निगतना, विदगना, विदगना मीन्स भड़क जाना, भड़क जाना, भड़क जाना। और हड्डियां बजाना, हड्डियां बजाना, हड्डियां बजाना मीन्स जानवर पशु का दुखियों से मारना, जानवरों पशुओं का दुलक्तियों से मारना। Homework।
कुछ आता है